तो आज है मेरे पास Realme XT एंड Vivo Z1X। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों फोन का स्पीड टेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन सा फोन के अंदर आपको किस तरीके की स्पीड परफॉर्मेंस मिलेगी, कौन से फोन के अंदर आपको रैम मैनेजमेंट आपको अच्छा देखने मिलेगा और बाकी अदर डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर ये है Realme XT एंड ये है Vivo Z1X। दोनों फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको फास्ट देखने मिलता है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्कोर्स आपको देखने मिल जाएंगे। Vivo Z1X के अंदर आपको ज्यादा स्कोर्स देखने मिल जाते हैं एंड्रॉइड बेंचमार्क में और यहाँ पर ये है Geekbench 5 के स्कोर आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएंगे। सो सिंगल कोर में भी यहाँ पर Vivo Z1X आपको ज्यादा स्कोर निकाल के दे रहा है, मल्टी कोर में भी आपको ज्यादा स्कोर निकाल के दे रहा है Vivo Z1X। और यहाँ पर ये जो स्पीड टेस्ट है इंटरनल स्टोरेज का है, सो यहाँ पर Realme XT के अंदर आपको कुछ अच्छे स्कोर निकाल के दे देगा। जैसे आप देख सकते हैं रीड स्पीड आपको यहाँ पर ज्यादा देखने मिल रही है एंड राइट स्पीड यहाँ पर दोनों की सेम आ रही है। सो यहाँ पर अभी हम वाईफाई की स्पीड टेस्ट करेंगे और अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले Realme XT के अंदर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर Vivo Z1X के अंदर मैं वाईफाई को बंद कर देता हूँ, बाकी दूसरी सब चीजें भी बंद है यहाँ पर। और यहाँ पर भी Realme XT के अंदर मैंने वाईफाई को ऑन कर लिया है नाउ। सो यहाँ पर Realme XT के अंदर आपको कुछ इस तरीके की स्पीड्स देखने मिल जाती है डाउनलोड एंड अपलोड में। सो यहाँ पर हम Realme XT का वाईफाई बंद कर देते हैं और यहाँ पर अभी हम Vivo Z1X के अंदर चालू कर देते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्पीड निकाल के दे रहा है Vivo Z1X। सो नाउ अभी हम मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक बार मैं स्पेक्स दिखा देता हूँ। दोनों ही फोन के अंदर हमें Snapdragon 712 देखने मिल जाएंगे, 8 कोर्स, Adreno 616 का देखने मिल जाता है एंड Cryo 385 पर आते हैं। सो यहाँ पर दोनों फोन की जो स्पेक्स है ऑलमोस्ट सारे सेम है और यहाँ पर ये दोनों फोन जो है 4GB रैम वाले वेरिएंट वाले फोन है मेरे पास अभी अवेलेबल। तो यहाँ पर हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। सो सभी दोनों फोन के अंदर अभी हम बैकग्राउंड सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर दोनों फोन के अंदर हम वाईफाई ऑन रख लेंगे और साथ में लोकेशन को भी ऑन कर लेंगे। एंड यहाँ पर भी Vivo Z1X के अंदर वाईफाई ऑन है और यहाँ पे हम लोकेशन को भी ऑन रखा है मैंने। सो कौन से फोन के अंदर ऐप लोडिंग कौन से आपको फास्ट देखने मिल जाएगी वो हम टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से। सो नाउ 3, 2 इंस्टाग्राम Vivo Z1X और यहाँ पर हम एक कोई भी प्रोफाइल भी खोल लेंगे और उसका एक पोस्ट भी खोल लेंगे। 3, 2 ट्विटर Vivo Z1X और यहां पर हम एक पोस्ट भी खोल देंगे। सो नाउ 3, 2 फेसबुक, पोस्ट को भी ओपन कर दिया है दोनों फोन के अंदर। नाउ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टिकटॉक। 3, 2 एंड टिकटॉक। अबे इसमें बाद में रियल में हर टाइम एड आए जा रहा है, स्किप कर दिया पता नहीं कौन सा अभी फास्ट है एक बार। सो Realme XT के अंदर बार बार एड आ रहा था पता नहीं क्यों। वापस स्टार्ट करेंगे 3, 2 एंड टिकटॉक। फिर एड आ गया इसकी तेल लेने का। सो नाउ अभी हम प्ले स्टोर की तरफ बढ़ रहे हैं। 3, 2 एंड प्ले स्टोर। सो यहाँ पे Realme XT एंड हमने ओपन करके छोड़ दिया है फिलहाल। नाउ 3, 2 एंड लुक एट Vivo Z1X और यहाँ पर हम एक एक पोस्ट को भी ओपन कर लेंगे जो भी हमें दिख रहा है। सो Realme XT का फोन का है। नाउ 3, 2 Amazon Z1X। यहाँ पर भी हम एक एक पोस्ट को ओपन कर देंगे। एडोब क्लिप, और ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी आगे पीछे कर रहा हूँ, ऑन द टाइम सभी को सेम तरीके से कर रहा हूँ। ये जो क्लिप है इसे मैंने स्लो डाउन कर दिया है, जो पहले क्लिप थी 30 सेकंड्स की, नाउ अभी ये क्लिप हो गई है ऑलमोस्ट 1 मिनट की। और उसी के बाद में जो इसके अंदर एक्सपोजर हाइलाइट्स एंड शेडो है उसको मैंने फुल 100% पे भी कर दिया है। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों वीडियो को हम रेंडर करेंगे 1080p पर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड स्टार्ट। सो यहाँ पर ये CPU का टास्क होगा जिसमें पता चल जाएगा कि कौन से फोन के अंदर रेंडरिंग फास्ट होती है, CPU परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी देखने मिल जाती है रियल टाइम में। लाइक अगर आप अपने फोन के अंदर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसके अंदर कौन सा आपको फास्ट देखने मिल जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं देख के। सो यहाँ पर Realme XT पे रेंडर हो चुका है एंड Vivo Z1 इसमें स्टिल अभी भी बाकी है। सो यहाँ पर भी ये डन हो चुका है। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे गेमिंग की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे Subway Surfer। नाउ 3, 2 एंड 1 यहाँ पर देखते हैं कौन पहले निकल कर आता है। यहाँ पर ये ऑप्शन हमेशा आता है।
सो यहाँ पे Realme XT थोड़ा सा जल्दी लोड हो जाता है। नाउ चलो भाई कूदो, जंप और एक और जंप और गेम से बाहर। सो नाउ अभी PUBG स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किसके अंदर PUBG जल्दी से लोड हो जाती है। नाउ 3, 2, 1 यहाँ पे क्लिक एक ही साथ में किया गया है, लेकिन सबसे पहले जो लोड अप होने के लिए स्टार्ट हुआ था वो था Z1X एंड बाद में XT, मिली सेकंड्स का फर्क था, उतना ज्यादा भी नहीं था। सो यहाँ पर तो भाई दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगे, कोई मिली सेकंड का ही फर्क था। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन मैच में जाके ऐसा सिर्फ बाहर अंदर जाके छोड़ देते हैं। वीडियोस के देवता के पास जा रहे हैं जो है YouTube। 3, 2 यूट्यूब लोड भले बाद में हुआ पर सबसे पहले दिखा अपने ये भाई साहब Realme XT। सो नाउ यहाँ पर हम एक एक वीडियो को ऑन करके छोड़ देंगे। दोस्तों काफी बार हम लोग ऐसी सिचुएशन Amazon के छोटे भाई Amazon Prime, यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। और ये मूवी मैं देख रहा हूँ और ये मूवी मुझे सीरियसली बहुत पसंद आ रही है एनिमेशन के हिसाब से। नाउ बढ़ते हैं कैमरा की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कौन सा लॉन्च होता है। XT थोड़ा जल्दी लॉन्च हुआ। नाउ अभी से हम एक साथ फ्लिप करेंगे, देखते हैं बैक से फ्रंट कैमरा पे कौन सा जल्दी स्विच कर पाता है। Realme XT थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। नाउ शटर पे क्लिक करके देखेंगे और कौन सा जल्दी इसमें शटर पे क्लिक कर पा रहा है। सो 3, 2 ऑलमोस्ट दोनों सेम है, इतना कुछ फर्क नहीं है। नाउ गूगल क्रोम। सो यहां पर इन वेबसाइट्स को हम क्लियर कर देते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक वेबसाइट को लॉन्च कर लेंगे और देखते हैं किसके अंदर जल्दी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं मेरी वेबसाइट है उसे लॉन्च करते हैं। सो चलो एक साथ क्लिक करेंगे और देखते हैं किसके अंदर सबसे पहले मेरी वेबसाइट को लोड किया जाता है। क्लिक। सो यहाँ पर ये कुछ पोस्ट है उसे हम क्लिक करते हैं एक साथ। थोड़ा सा XT थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। सो नाउ यहाँ पर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रिवर्स जाएंगे और बैकग्राउंड में ये सारे जितनी भी एप्लीकेशंस है जैसे आप देख सकते हैं ये सभी बैकग्राउंड में अभी रन हो रखी है। बैकग्राउंड में वो भी स्टिल अवेलेबल है कि नहीं वो हम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम से ही स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मेरी वेबसाइट देखने मिल जा रही है। नाउ कैमरा, क्योंकि वो इतनी सारी तामझाम नहीं करने वाले, ये बात तो मैं आपको अभी भी बताऊँ। सबवे सफर को देखते हैं कि बैकग्राउंड में हमें देखने मिल रहा है। सो यहाँ से क्लियर हो चुका है Realme XT के अंदर, लेकिन Vivo Z1X के अंदर अभी भी स्टिल है। एडोब क्लिप यहाँ पर भी है और एक्चुअली यहाँ पर तो फ्रंट पेज वो यही था तो इसे मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। नाउ Amazon, यहाँ पर ये पोस्ट है और आई थिंक सो यहाँ पर हमें क्यों लगता है कि वो क्लियर हो चुका है, आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक पेज भी नहीं आया है, आई डोंट नो व्हाट आई डू। चलो एक बार नाम के लिए पेक कर लेता हूँ। आई थिंक सो इसमें क्लियर हो चुका था तभी वो हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि अगर मैं इसमें बैक करूंगा तो स्टिल अभी भी पेज था। यहाँ पे Z1X RAM मैनेजमेंट में स्टिल अभी तक अच्छा चल रहा है। नाउ Flipkart है, यहाँ पर भी है, ऑफ कोर्स दोनों में सही चल रहा है, रह गया अच्छी बात है। नाउ प्ले स्टोर है यस, बैकग्राउंड में हमें दोनों देखने मिलता है। नाउ TikTok, यहाँ पर तो एक्चुअली स्टार्ट से ही स्टार्ट हुआ है। Facebook यस, यहाँ पर ये पोस्ट मैंने रखा था ऑन करके, बट यहाँ पर जो था वो रैम मैनेजमेंट से क्लियर हो चुका है Realme XT के अंदर। और अभी हम बढ़ रहे हैं चिड़िया की तरफ, ट्विटर। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिजल्ट रहा। नाउ Instagram, यहाँ पर ये पोस्ट मैंने रखा था सुपर साफ का और यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये वाला पोस्ट तो नहीं रखा था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने रखा था, आई थिंक सो क्लिकिंग में मेरे से इशू हो गया रहेगा शायद से। तो यहाँ पर Realme XT के अंदर है गया बट थोड़ा सा फोन स्लो भी हो गया था अचानक से। सो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी तक जो क्लियर विनर रहा मेरे हिसाब से वो Vivo Z1X है। मोस्ट ऑफ टाइम वो बैकग्राउंड में एप्स को भी रख रहा था और ऐप लोडिंग
जो स्पीड्स है थोड़ी फास्ट भी दिखने मिली, बट सीपीयू का जो टास्क कर रहा था वहां पर ये रियलमी XT अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। सो यहाँ पर गाइस आप लोग विनर करो, आप लोग बताओ आप लोग के हिसाब से कौन भाई साहब विनर रह चुके हैं, रियलमी XT या फिर वीवो Z1X। आप लोग अपने इंपॉर्टेंट आंसर्स जरूर इस कमेंट बॉक्स में जाके जरूर करना। सो गाइस यहाँ पर इस तरीके के फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल टेकी पार्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ पर आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैंने यहाँ पर जो वीडियो का लाइक का टारगेट दे रखा है मेक श्योर उसे भी जरूर कंप्लीट करवा देना। सो दोस्तों आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।